हमारे दो आदमी गए थे, एक बच गया एक मर गया। वहां वो झील में परी रहती है, सही खूबसूरत है झील का यार। नाम क्या है वैसे? उनकी लाशें जगह जगह मिली, चंद एक की तो जो ना मतलब की मिली नहीं, फौज भी यहां से गई थी, लेकिन जो मकामी लोग थे उन्होंने जो ना मतलब कि वहां से उनकी लाशों को लाया, फौज ला नहीं सकी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जूबे आ गए यहाँ पे, ये हम ऐसे देख रहे हैं। अब एक और चीज बताऊं आपको, जो ही हम लोग शॉप के अंदर एंटर हुए हैं, इधर उधर ये कहाँ से मखलूक आ गई है इधर? तो मीर मलक गांव से जब हम आगे आए हैं, गुजेरवाला, गुजेरवाला से जंगी खान, जंगी खान गांव पीछे रह गया, थोड़ा सा ऊपर था रोड पे, मैं दिखा नहीं सका। तो यहाँ पे इन्होंने रोड के ऊपर दीवार लगाई हुई है ताकि उधर से अपना जानवर भी और लोगों के बकरवालों के जानवर भी गांव के अंदर ना आ सकें, ताकि इनकी फसलें बची रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं मीर मलक विलेज और कालाबाई वैली। अभी मैं मौजूद हूँ जोगाम विलेज पे, जो चौगाम विलेज पे, जो कि अस्तौर से रट्टू को जोड़ता है। एक इंतहाई खूबसूरत इलाका है। मिलते हैं रास्ते में जाते हुए, आपको रास्ते के व्यूज़ भी चेक करवाते हैं और कालाबाई वैली के खूबसूरत नज़ारे भी आपको करवाते हैं। वीडियो में साथ जुड़े रहिएगा। तो हम पहुँचे हैं उस जगह जहाँ से रट्टू के लिए रास्ता अलग हो रहा है और मीर मलक के लिए अलग हो रहा है। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर आर्मी का स्कूल है, रट्टू की तरफ जा रहा है ये रास्ता, और जो इस तरफ है ये है मीर मलक गाँव की तरफ रास्ता जा रहा। मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ, दूसरी साइड तो मैं पहले भी गया हूँ लेकिन फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ मीर मलक। तो देखते हैं मीर मलक को भी आज, और उसके बारे में बड़ा सुना है। यहाँ से दो रास्ते अलग होते हैं कश्मीर के लिए, एक शोंडर पास और एक ये कालाबाई पास। तो चलते हैं हम आज कालाबाई। तो इतना खूबसूरत रोड बन रहा है मीर मलक की तरफ के जिसका अंदाज़ा कोई नहीं है। काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं कि रास्ता खुल जाए। मैं सोच रहा था शायद 5-7 मिनट लगेंगे, लेकिन 40-45 मिनट हो गए हैं और यहाँ पे रोड का काम लगा हुआ है। पीछे रोड तो बहुत अच्छा था, आगे भी बन रहा है, इस वजह से हमें यहाँ पे फंसे हुए काफ़ी देर हो गई है। अल्लाह करे ये अब हमें थोड़ा इजाज़त दे गुजरने की, जान छूटे हमारी इस वाले काम से। तो फाइनली शायद अब हमें रोड खुला हुआ मिल जाए और हम यहाँ से गुज़र पाएँ, क्योंकि जो ये पता नहीं कौन सी मशीन है इसने रोड सीधा कर दी है, ग्रेडर। तो हम पहुंचे हैं रात को तकरीबन, कितने क्या टाइम हुआ है, 8:30 बजे, 8 बजे मीर मलक गांव जी। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई जूबे आ गए यहाँ पे, ये हम ऐसे देख रहे हैं। अब एक और चीज बताऊं आपको, जो ही हम लोग शॉप के अंदर एंटर हुए हैं, इधर उधर ये कहाँ से मखलूक आ गई? क्योंकि ये इनकी ना, हम लोग इनके लिए अन्ना होना है, ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ पे होटल कोई नहीं है मीर मलक गांव में, और गलती से भी आप लोग इस चक्कर में ना आ जाइएगा कि यहाँ पे होटल मिलेगा। हाँ, ये है कि यहाँ पे अगर कोई लोकल बंदा, मास्टर नूरुल्लाह साहब की मेहरबानी है, कोई लोकल जानने वाला है तो वो आपको ट्रीट कर सकता है, अदरवाइज नो। हाँ, कैंपिंग अपनी कर सकते हो, उसके लिए आप लोगों को ये जगह देंगे, ऐसा ही है जी। बाकी सुबह हमारे साथ क्या होता है वो हम देखते हैं, वो भी हम देखते हैं जी, आगे बताएंगे आप, सुबह अल्लाह बेहतर करे। तो आज हमें यहाँ पे रोका है इन्होंने मीर मलक हाई स्कूल के साथ, एक टीचर है उनके घर में, और हम ममन फारूक हमें बता रहे हैं कि जिस झील की तरफ आप जाना चाह रहे हैं उसमें आज तक कोई नहीं जा सका, वहाँ पे जिन्नात हैं। स्टोरी बाकी उनसे सुने। तो वहाँ बिल्ली की शक्ल में और कबूतर की शक्ल में, ज़्यादा कबूतर होती है, एक दो आदमी वहाँ जाने से डर जाते हैं। पहले भी हमारे दो आदमी गए थे, एक बच गया एक मर गया, क्योंकि हमारे पुराने लोग कहते हैं कि वहाँ वो झील में परी रहती है। सही खूबसूरत है यार। झील का नाम क्या है वैसे? झील का नाम नहीं रखा गया है, हम नाम भी रखेंगे उसका इंशाल्लाह, खुद नहीं जाएंगे वो चला जाएगा। उसके नीचे जो है ना उसका पानी आता है, उसको हम कहते हैं सफ़ेद पानी। अच्छा, ठीक है कि नहीं है, उस झील से नीचे आता है वो आबशार की शक्ल में जो आ जी है। जी जी, नीचे आता है और सामने आता है, पानी सही तेज आता है उसका, बहुत जबरदस्त कड़क पानी है, जबरदस्त पानी, ठंडा भी है, ठंडा है। ये किस जगह की बता रहे हो आप? ये सामने हमारा बेग के सामने, सामने कलवई की। हाँ, कलवई से इस तरफ है ये गली। चलें जी, कल आपको दिखाते हैं उसके व्यूज भी, और मुझे तो अभी से डर लगना शुरू हो गया। रानवी, आपके क्या रिव्यूज हैं जी? हम लोग हैं भी यहाँ पे इनके, मेरी कमी नहीं हुई, हम लोग वैसे भी इनके लिए अननोन पर्सन हैं, अभी शॉप पे बैठे तो यकीन नहीं, इधर उधर से बंदे आगे इकट्ठे हो गए, ये कहाँ से आ गए? ठीक है कि नहीं, तो पूरा रिजल्ट आपके सामने लाएगा। अच्छा, ये नो वो जो जिन है वो हमारा ड्रोन भी उधर ही है। अच्छा, वो सच में है वहाँ,
मसला नहीं है, जिन्नू का एक झील इधर है, एक झील यहाँ है, यहाँ बहुत बड़ा झील है, ये भी बहुत बड़ा झील है। क्या नाम है उसका? इसका भी नाम नहीं रखा है। नाम रखे ना जी, नाम हम रखेंगे, टेंशन ना लें, नाम हम रखेंगे। हम तीन जिलों के ऑलरेडी नाम रखे हैं। असल में ये है ना, यहाँ पे लोगों की अभी आमदो रफ्त इतनी ज्यादा नहीं है। असल ये है, बात ये है कि हमारा रोड नहीं था, ब्रस्ट वाले नहीं आ सकते थे। पहले वाला रोड जो था ना बहुत तंग था, उसके बाद इधर होटल नहीं था, ठीक है कि नहीं है, लेकिन सब इलाकों से हमारा इलाका खूबसूरत है। हम अभी मेहमान है आज रात गुलामुल्लाह खान के, और ये आपको बताएंगे कि पिछले इस साल जून में जो एक ट्रेजेडी हुई थी जिसको बहुत ज़्यादा मिस रिपोर्ट किया गया था, तो ये अपने अल्फाज में आपको बताएंगे कि वो हुआ क्या था असल वाकया बकरवालों के साथ। तो गुलामुल्लाह खान बोलिए। असल में सही बात जो हुई थी वो ये हुई थी कि जून के मौसम में कश्मीर से आते हैं बकरवाल हमारे इसकी तरफ, असूर की तरफ, तो वाहिद ही टाप है जो मतलब कि छोटा टाप। अब उनमें जो है ना मतलब कि कंपटीशन ये थी कि भाई जो है सबसे पहले कौन जो है ना मतलब कि टॉप को क्रॉस करेगा। अब उन लोगों को जो है ना मतलब कि इस बात का भी पता नहीं था कि भाई जो है नेक्स्ट जो मौसम होगा वो कैसा होगा। मौसम बहुत ज़्यादा रफ था और जो है ना मतलब कि कंपटीशन में उन लोगों ने टॉप को क्रॉस करने की कोशिश की। जब टॉप के ऊपर पहुँचे ये तकरीबन दोपहर के 4 बज रहे थे, तो उस वक्त बर्फबारी बहुत ही ज़्यादा शुरू हुई। तो उन्होंने ये कहा कि हो सकता है जो है ना मतलब कि बर्फबारी थोड़ी सी रुक जाए तो हम नीचे आ जाएंगे, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। जब बर्फबारी शुरू हो गई जो है ना मतलब कि चंद लोग जो है ना मतलब कि घोड़ों को छोड़कर और जो बूढ़े लोग थे उनको छोड़कर वो नीचे आने लगे। और जब बहुत ही ज्यादा शुरू हो गई तो उन्होंने क्या किया कि भाई जो है नीचे आने की कोशिश की घोड़ों को भी अपने माल को भी, लेकिन उस दौरान अंधेरा हुआ और नीचे आते हुए वो रास्ता भटक गए। चंद एक जो है ना मतलब कि नीचे पहुंचने में कामयाब हो गए और जो नियर गांव है जंगी हट वहां पहुंचे सुबह सवेरे। उन्होंने कहा कि भाई जो हमारे लोग इस तरीके से गायब हो गए। जब यहाँ के लोग वहां पहुंचे तो उनकी लाशें जो है ना मतलब कि जो ऊपर टॉप में बैठे हुए थे उनकी लाशें जगह जगह मिली। चंद एक की तो जो है ना मतलब कि मिली नहीं, फौज भी यहाँ से गई थी, लेकिन जो मकामी लोग थे उन्होंने जो है ना मतलब कि वहां से उनकी लाशों को लाया, फौज ला नहीं सकी। एक खास पॉइंट है वहां तक गई, फिर उसके बाद वो वापस आ गए, लेकिन मकामी जो अदाकार थे वो लेकर आए। इस तरीके से 8 लोगों की डेथ हो गई थी। तो ये बताएं कि वहां पे उस टाइम ना रिपोर्टिंग ये हुई थी, कह रहे थे कि ग्लेशियर टूटा है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं जो ना मतलब कि ग्लेशियर बिल्कुल भी नहीं टूटा था। है ग्लेशियर वहां पे लेकिन इंतहाई सख्त किस्म का है, लेकिन वो जो बकरवाल थे वो सिर्फ कंपटीशन के जो ना मतलब उसमें आए थे कि कौन सबसे पहले जो ना मतलब किस मौसम में उसको क्रॉस कर रहा है टॉप को। तो उसमें जो ना उन्होंने मौसम को भी सही तरीके से जज नहीं किया और मौसम को जज नहीं करने की वजह से जो ना मतलब वो लोग हलाक हो गए। बेसिकली उन्होंने रेसिंग के चक्कर में, बस बस थ्रिल के चक्कर में उन्होंने अपना थ्रिल, 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 वो लड़का था उसको मैं बेसिकली जानता था, क्या नाम था उसका, रशीदा या फकीरा, रशीदा नाम था। वो बहुत ही ज्यादा जो है मतलब की मस्तीखोर टाइप का था और पूरी फैमिली उसके साथ थी। और वो अमूमन कहता था कि जो है मतलब की मेरे से पहले कोई दूसरी बकरवाल फैमिली टॉप को क्रॉस, वो खुद सर्वाइव किए ना, ना वो खुद भी मर गए, खुद भी मर गए। ओके, सिर्फ उसका अब्बा था वो वाहिद बच गया, मेरे ख्याल में उसके पांव कट गए, फ्रॉस्ट बाइट, एक छोटा सा बच्चा, ठीक। वो कितनी एज का था? 2 साल। वो मौजा मौजा मौजा। अर्ली मॉर्निंग, यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी की इंतहा। रात को उन्होंने हमें, यहाँ पे कोई होटल नहीं है और इधर पना दी रात को, यहीं पे हम रुके। ये एक मास्टर गुलामुल्लाह साहब हैं और मास्टर नूरुल्लाह साहब हैं, इन लोगों के पास रुके। और अब ये जीप है, इस जीप में हम यहाँ से सवार हो रहे हैं और इंशाल्लाह आगे कलावा पास की तरफ बढ़ेंगे। तो बिलाल भाई का वेप रह गया था, वो लेने गए। ये वेप पीने के नुकसान में से एक है कि आपके वेप रह जाए तो आपको वापस जाना पड़ता है। यहाँ पे लोगों ने लगाई हुई हैं सब्जियाँ, इस तरफ सरसों, नीचे गंदम और इस तरफ ऊपर वाली साइड पे आलू वगैरह भी लगा हुआ है। मीर मलक गांव से आगे रोड के हालात कुछ ऐसे हैं। एरिया बहुत ज़्यादा प्यारा है। मीर मलक से आगे रोड बेहद ख़राब है, तो आप अपनी गाड़ी में तो किसी सूरत नहीं आ सकते। हाँ, मीर मलक तक आप अपनी गाड़ी में आ सकते हैं।
आगे के हालात ऐसे हैं, यहाँ पे लोगों का जो रहन सहन है वो घोड़ों के साथ अभी तक, बार बारदारी के काम आते हैं ये जानवर यहाँ पे। तो मीरमलक के बाद हम पहुँचे हैं गुजेर गांव में, ये एक छोटा सा विलेज है, इसके बाद आगे आता है जंगी खान। अभी तो चलते हैं गुजेर के, आपको व्यूज़ करवाते हैं रोड के ऊपर ऊपर से ही। तो गुजेर गांव के लोग सर्दियों में अपना राशन वगैरह स्टॉक कर लेते हैं और 6 महीने बाकी जीबी से या बाकी पाकिस्तान से ये कट के रहते हैं। अभी ये अपना राशन वगैरह स्टॉक कर रहे होंगे, सर्दियां करीब हैं और किसी भी वक्त बर्फबारी हो सकती है, उसके बाद ये हैं और बस यही हैं। तो मीरमलक गांव से जब हम आगे आए हैं गुजेरवाला से जंगी खान, जंगी खान गाँव पीछे रह गया थोड़ा सा, ऊपर था रोड पर मैं दिखा नहीं सका, तो यहाँ पर इन्होंने रोड के ऊपर दीवार लगाई हुई है ताकि उधर से अपना जानवर भी और लोगों के बकरवालों के जानवर भी गांव के अंदर ना आ सकें ताकि इनकी फसलें बची रहें। रोड के मनाजर इंतहाई मजे के हैं, ये पहाड़ी इलाके के बीच में एक बोल्डर से बड़ा भरा हुआ मैदान है और एक बकरवाल यहाँ भी अपने जानवर लेके जा रहा है। तो हम फाइनली पहुंचे हैं शहदास, ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये कलावाई की तरफ जा रहा है जो रोड है, और जो दूसरी साइड है इसी के जो इस साइड पे जा रही है राइट साइड पे, वो जा रहा है शोंटर पास, और यहीं से इंशाल्लाह कभी शोंटर टनल बनेगी। ये सामने यहाँ पे छोटी सी आबादी है और उसके बाद आगे ये सीन है। अल्लाह करे मौसम साफ रहे तो हम ईजिली काफ़ी एरिया कवर कर लेंगे। गांव के बीच में से यहाँ पे शहदास गांव के बीच में से पानी इस तरह जा रहा है और काफ़ी फास्ट शुरू हो गया ये एरिया। यहाँ पे लोगों के पास लकड़ी नहीं है इसलिए ये गोबर वगैरह चला के गुजारा करते हैं, थोड़ा दलदली टाइप एरिया ये और यही इसकी खूबसूरती है। तो शहदास गाँव से हम जा रहे हैं भाई के साथ जो हमारे गाइड हैं और जीप के ड्राइवर भी, वो हमें लेके जा रहे हैं अपने एक रिश्तेदार के घर जो हमें सुबह का नाश्ता करवाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद हम मूव करेंगे आगे की तरफ। ये जो पानी आप देख रहे थे ये आ रहा है शोंडर पास से और हम जा रहे हैं कलावा पास की तरफ। तो ये है शोंडर पास का दरिया। तो ये है शहदास गांव, यहाँ पे टूरिस्ट ना होने के बराबर आते हैं। अब हमने यहाँ पे सुबह का नाश्ता इधर ही नहीं लोगों के पास करना है। ये जो आपको धुएं नज़र आ रहे हैं बकौल यहाँ के लोकल के, ये गोबर से जलाइए आग। रास्ता जगह इंतहाई खूबसूरत है लेकिन पसमानगी है, गुर्बत है। ये गांव शहदास इस एरिया का आखिरी गांव है और इससे आगे आपको कोई प्रॉपर आबादी नहीं मिलती। यहाँ पे इन लोगों ने कच्चे घर बनाए हुए हैं और सिर्फ गर्मियों के महीने में अपने जानवरों को चराने के लिए इस इलाके में आते हैं। आप इस गांव के कुछ ड्रोन शॉट्स देखें और इंशाल्लाह शहदास गांव से आगे हम कलावा पास और फुलावई की तरफ यानी कश्मीर की तरफ कैसे जाते हैं वो डिटेल्स मैं शेयर करूंगा आपसे अगली वीडियो में। अभी आप इंजॉय करें दो अतराफ यानी कि कलावा पास की तरफ के भी व्यूज़ और शोंटर पास की तरफ के भी व्यूज़। ये जो ग्रीन एरिया आपको नज़र आ रहा है ये कलावा पास की तरफ जाता हुआ रास्ता है, और वो जो इंतहाई खुश्क और पथरीला एरिया नज़र आ रहा है ये शोंटर पास की तरफ जाता हुआ रोड है। आज तो हम जाएँगे कलावा पास, आप बहरहाल ड्रोन व्यू एंजॉय करें शहदास या शिवदास गांव के व्यूज़ और साथ में शोंटर पास और कलावा पास के भी नज़ारे। इस गांव शहदास या शिवदास, अगर हिंदी में कहेंगे तो शिवदास और उर्दू में शहदास, इसके मानी क्या हैं मुझे यहां पे कोई नहीं बता सका। अगर आप में से कोई इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से बयां कर सकता है तो ज़रूर कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं आपको इससे आगे वाले गांव और इससे आगे वाली जगहों के नज़ारे करवाऊंगा जो कि बिल्कुल ही अनएक्सप्लोर्ड हैं। यहां तक तो फिर लोकल्स जाते हैं, इससे आगे वाली बाज़ जगहों पे लोकल्स भी नहीं जाते।